बचपन अभाव में बीता, बहुत अभाव देखा। देखिए आज हम अपने बारे में बताने नहीं आए, आज हम कोई प्रवचन देने नहीं आए, आज हम कोई भाषण देने नहीं आए, आज आपका ब्रेन वॉश करने नहीं आए। बहुत सारे लोग क्या बोलते, कहते अरे मीटिंग में मत जाओ, ब्रेन वॉश कर देगा। बहुत लोग घबराते हैं, कहते मीटिंग सेमिनार में ना मोटिवेट कर देता है ये लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, न तो हमारे अंदर इतनी ताकत है, न हमारी इतनी औकात है, न हमारी इतनी क्षमता है कि हम आपको ब्रेनवॉश कर सके, हम आपको पढ़ा सके। आज हमारे पास एक अनुभव है, आज हम वही शेयर करने आए। क्यों शेयर करने आए, क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है? इरादा बस एक ही है कि जैसे मेरी जिंदगी बदली है, मेरे सारे भाइयों का जीवन बदल गया। तो सफलता और कामयाबी जितनी आसानी से आई, मैं चाहता हूं उतनी ही आसानी से, उतनी ही कामयाबी, उससे बड़ी कामयाबी आपकी जिंदगी में आए। और आज इसीलिए मैं आपके बीच में आया, मेरा आने का पर्पस एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। देखिए कई लोग मेरे से पूछते, कहते आप नौकरी छोड़ दिए, यूनियन बैंक की नौकरी? बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। लोग कहते हैं आपको छोड़ने में डर नहीं लगा? एक लड़का है मेरे से बोला था, सर आपका हाथ नहीं कांपा था। मैंने कहा कब? बोले जब रिजाइन कर रहे थे नौकरी। मैंने कहा यार हाथ तो नहीं है, हाथ कांपा था कि नहीं? बोला सर आप झूठ बोल रहे, जरूर आपका हाथ कांपा होगा। मैंने कहा अरे बेवकूफ, अगर मेरा हाथ कांपा होता तो मैं रिजाइन करता। कॉमन सेंस वाली बात, रिजाइन करते समय मेरी हाथ कांपता तो मैं रिजाइन करता? थोड़ा बोलो ना सब लोग, तो कॉमन सेंस वाली बात है। बोला सर आपका हाथ नहीं कांपा था। मैंने कहा यार विचित्र आदमी, अगर मेरे को डर लगता रिजाइन करने में कि यार मैं बैंक की नौकरी छोड़ रहा हूं, यूनियन बैंक की नौकरी मेरे को वापस नहीं मिलने वाली, मैं यहां सीनियर मैनेजर बन जाऊंगा, चीफ मैनेजर बन जाऊंगा, महीने की सैलरी 2-2 लाख रुपया होगी, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, यार मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, बहुत, भाई साहब नौकरी छोड़ते? एक कॉमन सेंस वाली बात बताइए, नौकरी छोड़ते? थोड़ा इधर वाली बहना नहीं बोल रही, नौकरी छोड़ते? कई लोग मिलते कहते साहब मैं भी जुड़ा था आरसीएम में। क्या बोलते? मैं भी जुड़ा था आरसीएम। क्या हुआ? छोड़ दिए। क्या हुआ? थोड़ा बोलिए सब लोग। तो मैं बोलता हूं आपने आरसीएम छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिए। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपने आरसीएम छोड़ दिया? अरे मैंने तो आरसीएम के लिए यूनियन बैंक की नौकरी छोड़ दिया। बताइए आरसीएम छोड़ के अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? आरसीएम छोड़ के अच्छा काम किया। जो कहते हैं कि मैंने आरसीएम छोड़ दिया, भाई साहब उनको ज्ञान नहीं है कि वो क्या बोल रहे। आपके सामने एक आदमी खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, बड़ा भाई खड़ा है। हमारे बिहार में जब नौकरी लगती है ना, तो अचानक उसका डिमांड हाई हो जाता है। 12 लाख नहीं, बोली लगना शुरू होता है। होता है कि नहीं? थोड़ा यस में जवाब दीजिए। भाई हम भी उसी बिहार से हैं। सरकारी नौकरी का मतलब होता है भगवान से भेंट। अभी सरवन जी बता रहे थे, हमारे बाबूजी सत्यनारायण स्वामी का कथा कराए थे। क्यों? मैं 5 भाई में पहला सदस्य था जिसको की गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट बैंक के लिए कंपटीशन से सिलेक्शन हुआ था, पहला सदस्य था। अच्छा अगर हमारे बाबूजी को पता होता कि हम नौकरी रिजाइन कर देंगे या छोड़ देंगे या बहुत छोटी चीज है, तो वो कथा कराते? थोड़ा जोर से बोलिए। वो कथा क्यों कराए थे? थोड़ा जोर से बोलिए। देखिए दोस्त, जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं ना जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। नौकरी के पीछे दुनिया भाग रही है। आज नौकरी, सरकारी नौकरी का क्या महत्व है, उससे क्या मिलता है? मीटिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। थोड़ा जोर से बोलिए।
क्यों? क्योंकि सारी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। क्यों भाग रही है सारी दुनिया? कभी जानने की कोशिश किया क्या मिलता है नौकरी में? मैं बताता हूं आपको, 12 साल मैंने जॉब किया है और मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि 12 साल आरसीएम भी किया, नौकरी भी की, 12 साल बैंक की नौकरी की और 17 साल से आरसीएम कर रहा हूं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है और कितना बड़ा अंतर है। और ये अंतर जिस दिन आपके दिमाग में घुस गया ना, भगवान कसम यहां बैठा हुआ एक एक बच्चा ना आरसीएम के पीछे भागेगा, नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। ये नौकरी के पीछे लोग भागते क्यों हैं? मैं भी भागता था, 12 साल मैंने नौकरी किया है, क्योंकि नौकरी के अलावा हमारे बिहार में कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों में जाता हूं, रेलवे में सबसे ज्यादा कहां के लड़के हैं? बिहार के। उत्तर प्रदेश में जितने भी नेशनलाइज बैंक है, आप यूनियन बैंक, स्टेट बैंक चले जाइए, सामने वाले से पूछिए कहां से हो सर? बिहार से। यस और नो? क्यों भाई बिहार से? क्या कारण है? परमानेंट सरकार वैकेंसी निकालना बंद कर दी। हमें लगता है पिछले 10-12 साल 15 साल से बिहार में होता है वैकेंसी परमानेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर बहाल हो गए। हर घर से आपको एक टीचर मिलेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, जो भी कुछ टीचर साथी मुझे दिख रहे थे उनको लग रहा होगा कि हमें नीचा दिखा रहा है। मैं किसी को आज यहां नीचा दिखाने नहीं आया, लेकिन सत्य तो यही है कि हमारे बिहार में एक ही रास्ता है जीवन यापन करने का, जीवन में आगे बढ़ने का, वो है नौकरी। दोस्तों मैं भी नौकरी करने लग गया था, 12 साल नौकरी किया, लेकिन संजोग से किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं बैंक में चला गया। कहां चला गया? थोड़ा जोर से बोलिए। और बैंक में क्या होता है भाई साहब? बच्चों की पढ़ाई होती है, क्या होता है काम? कौन सा काम क्या है वहां? नोट, बैंक में सिर्फ रुपयों का कारोबार होता है, वहां भूसी का कारोबार नहीं होता, अनाज का कारोबार नहीं होता, जमीन का कारोबार नहीं होता। कौन सा कारोबार होता है? रुपयों का। थोड़ा जोर से बोलिए। और सारी दुनिया में जितनी मारा मारी मचा मची किस चीज के लिए है? अब सोचिए कि जिस चीज के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, और वो काम बैंक में होता था। मैंने 12 साल उस बैंक में नौकरी की और मैंने वहां पे एक चीज देखा कि पैसा किन लोगों के पास है, अमीर कौन लोग हैं, नौकरी करने वाले नहीं हैं। थोड़ा बहन लोग से रिक्वेस्ट है, आधा घंटा हमें झेल लीजिए, थोड़ा मुश्किल काम होता है, सुनना आसान काम नहीं है भाई, बहुत कठिन है। तो बैंक में हमने क्या देखा, थोड़ा मेरा साथ दीजिए, बहुत पैसा है किन लोगों के पास? नौकरी करने वालों के पास अमीरी नहीं है। नौकरी करने वाले लोग क्या होते हैं पता है? सिर्फ जिंदा रहते हैं, थोड़ा अच्छे से जिंदा रहते हैं, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के जिंदा रहते हैं, थोड़ा अच्छा खा के जिंदा रहते हैं, थोड़े से अच्छे घर में का कमरे दो कमरे का उनको रेंट पे रूम मिल जाता है और उसमें वो जिंदा रहते हैं। लेकिन नौकरी करने वाले सिर्फ और सिर्फ क्या रहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। जिंदा हम भी है भाई, ऐसा थोड़ी है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन अंतर है। आज मैं वही अंतर बताऊंगा आपको, और अगर कमजोर दिल वाले होंगे तो खिसक लीजिए, क्योंकि हार्ट फेल होने वाला है आपका, हार्ट फेल होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी में और बिजनेस में क्या अंतर होता है। बहुत सारे हमारे बिहार के लोगों को पता ही नहीं है, बिजनेस के नाम से लोग क्या करते हैं? भागते हैं। क्या करते हैं सर? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या करते हैं सर? किसी से भागते हैं? नौकरी से। हाँ तो आरसीएम भी बिजनेस है ना, बिजनेस से लोग भागते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बैंक के अंदर सबसे ज्यादा पैसा किन लोगों के पास है, कमाल की बात मैं बता रहा हूं, नौकरी करने वालों के पास पैसा उनके अकाउंट 30 तारीख से पहले ही जीरो हो जाता है, नील हो जाता है, 200-400 रुपया रहता है, 1000 रुपया रहता है, इससे ज्यादा नहीं रह पाता है, क्योंकि
एक दो हजार लोगों का अकाउंट मैंने नहीं देखा, मैंने 12 साल में कम से कम 12,000 से भी ज्यादा अकाउंट होल्डर ऐसे थे जो टीचर्स थे, रेल इंप्लॉय थे, बड़े बड़े इनकम टैक्स सेल टैक्स के अधिकारी थे, म्यूनिसपैलिटी के अधिकारी थे, सबका सैलरी हमारे यहाँ ब्रांच से बनता था। मऊ डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक था यूनियन बैंक, और जहां भी लीड बैंक होता है सैलरी सरकारी कामकाज सारा उसी लीड बैंक से होता है। जहां स्टेट बैंक होता है वहां स्टेट बैंक से होता है, जहां स्टेट बैंक नहीं होता वहां लीड बैंक होता है। यस और नो? तो हमने 12,000 से भी ज्यादा अकाउंट होल्डर, ऐसे अकाउंट होल्डर जो नौकरी करते थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े कुर्सी पे बैठते थे, लेकिन उनके अकाउंट में जब बैलेंस चेक करते थे, जब वो पैसा निकालने आते थे, क्योंकि पहले एटीएम नहीं था, आज से 15-20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, सारे के सारे नौकरी करने वाले जिंदा थे। क्या थे? जिंदा। थोड़ा जोर से बोलिए, जिंदा। हम भी नौकरी कर रहे थे बैंक में, क्या थे? जिंदा। थोड़ा जोर से बोलिए, जिंदा। हम भी जिंदा थे, जिंदा थे, सिर्फ जिंदा थे। साथियों, मेरे पास एक साइकिल थी, मोटरसाइकिल खरीद सकते थे लेकिन मोटरसाइकिल नहीं खरीदते थे। क्यों? क्योंकि बैंक लोन पे ईएमआई काटना शुरू कर देता। 3649 रुपया मेरी सैलरी थी जब हमने आरसीएम की शुरुआत की थी, 10,000 पहुंचने में 5 साल लग गए, 15,000 पहुंचने में 10 साल लग गए। जब ये बिजनेस आया उस समय मैं बैंक में नौकरी कर रहा था, और उस समय मेरी एक महीने की जो सैलरी थी वो थी 15,956 रुपए। कितने साल बाद? सुबह से शाम बैंक में गधे जैसे काम करते थे। गधा देखा है आप लोगों ने? कुछ ही लोगों ने देखा है? जमुई में गधा नहीं है क्या? गधे तो हर जगह है यार, और अगर गधा नहीं देखा है तो आप चले जाना यूनियन बैंक, यहां मैं देख रहा था कहीं दिखा था मेरे को। हाँ, यूनियन बैंक वाला कोई बैठा तो नहीं है, बाहर निकल के बहुत गाली देगा। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गधे और घोड़े में फर्क कैसे होता है, आप ध्यान से देखना। सड़क पे गधा होता है और घोड़ा, जानवर की मैं बात कर रहा हूं, घोड़ा देख रहा उसका गर्दन हमेशा ऐसे होता है और गधा ऐसे रहता है। आप बैंक में जाना, सारे स्टाफ कैसे रहेंगे? ध्यान से देखो, तो मैं भी बैंक में जाके ऐसे ही करता था सुबह से शाम, लेकिन आरसीएम आने के बाद घोड़ा हो गया। तो सुबह से शाम कैसे काम करते थे, थोड़ा बोलिए मेरे साथ। इधर बहन मेरी नहीं बोल रही, करिए कि अच्छा नौकरी खराब बोल रहा है, अच्छा नौकरियां खराब है। खराब नहीं बोल रहा हूं बहन, नौकरी खराब बिल्कुल नहीं होती है, मैं बता रहा हूं कैसे काम करते थे, जैसे करते थे वैसे ही तो बता रहा हूं। मैं तो जाके देख लेना बैंक में, अगर मेरी बात कुछ गलत लगे फोन नंबर सरवन जी से ले लेना, खूब गाली देना मेरे को, हमें बुरा नहीं लगता भाई, सत्य तो सत्य है। तो वहां पे 15,956 रुपया कितने साल बाद पहुंचे? थोड़ा जोर से बोलिए, 10 साल। कैसे काम करते थे? कुछ लोग नहीं बोल रहे, बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कैसे काम करते थे? पैसा कितना मिलता था? कितने साल लगे? अभी मैं बताऊंगा। आरसीएम में जमा होता नहीं था, जमा, इधर निकासी, निकासी बिल्कुल जीरो जीरो जीरो, कुछ नहीं, और इधर हर दिन 2.5 लाख, 3.5 लाख, 7 लाख, और ये बैलेंस बढ़ता चला जाता था। जब ये बैलेंस लिखते थे ना तो सोचते थे काश मेरा भी ऐसा खाता होता। ये जो ताली बजा रहे सिर्फ यही लोग सोचते हैं, बाकी लोग तो कभी सोचते ही नहीं। बाकी लोग का दिमाग कहां है पता है? 2-400 कहीं से आ जाएगा।
दो चार हजार रुपए के काम मिल जाए बड़ा मजा आ जाए, यही चलता है ना दिमाग में। लेकिन मेरा दिमाग चलता था, कहां चलता था? और कमाल की चीज बताऊं, जिस व्यक्ति का ये खाता था, मैं नाम नहीं बता सकता, इस व्यक्ति का खाता एक बैंक अकाउंट में नहीं था, मतलब मेरे बैंक सिर्फ ब्रांच में नहीं था, यूनियन बैंक के गोरखपुर रीजन में 42 ब्रांच थे और सारे के सारे ब्रांच में खाता था, और किसी खाता में करोड़ से नीचे बैलेंस नहीं था। आप सोचो कितना पैसा वाला आदमी। और ऐसे ऐसे सिर्फ एक ही दो खाते नहीं थे, हमारे यहां एक लेजर था, एनआरई लेजर, एनआरई एनआरई का मतलब नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉय, जो बाहर विदेश में रहते हैं, उनका अकाउंट खुलता था उस लेजर में, 750 अकाउंट था, और किसी भी अकाउंट में 50 लाख से नीचे बैलेंस नहीं होता था, 750 अकाउंट। ऐसे पन्ना पलटते थे, 50, 55, 75, 80, और वो सब के सब भारत के लोग नहीं थे, सब विदेश से खाता, वहीं पे काम करते थे, जॉब करते थे, जो भी करते थे इंडिया में पैसा भेजते। किसी सरकारी स्कूल के टीचर में 50 लाख रुपए खाता में बैलेंस मैंने नहीं देखा, किसी रेलवे कर्मचारी के खाता में 50 लाख रुपया मैंने नहीं देखा। ये सारे के सारे लोग कौन लोग थे? कौन लोग? तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी कुछ बिजनेस करूं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं 15956 का आदमी हूं, इससे ज्यादा आने वाला नहीं। कहते हैं कि आपके दिल की गहराइयों में जो बातें चलती है ना, आपके जीवन में हो जाता है। उसी समय मेरी जिंदगी में आया जिसका नाम है आरसी।